हर फ्रेंड नमस्कार। साढ़े साथी पे मैंने एक ठो पहले वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट वन। और उसमें मैंने मीन राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इनके गोचर के क्या फल होंगे और मूल सिद्धांत भी काफ़ी विस्तार से मैंने समझाया है। वह सारी चीज़ों को मैं रिपीट अब नहीं करूँगा। मूलतः जो मेष से लेके धनु लग्न पे गोचर का क्या इम्पैक्ट होगा, ये मैं बताने जा रहा हूँ। और इसके पहले मैंने ये बता चुका हूँ कि साढ़े साती है क्या, उसको समझना जरूर है। इसलिए यदि आपसे निवेदन है कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा पहले वाला पार्ट वन वीडियो देखना बहुत जरूरी है। उसमें मैंने बहुत ऊर्जा लगा के उदाहरण से ही समझाया है कि साढ़े साती कब फल देती है, कैसे देती है, अच्छे देती है, बुरे देती है। गोचर का बिना विषोत्तरी दशा देखे मनमाना उपयोग संभव किया जाता है। बिना विषोत्तरी दशा के अष्टक वर्ग के बिंदु, समुदाय अष्टक वर्ग, शनि का भिन्नाष्टक, समुदाय शनि भिन्नाष्टक और शनि जिस भाव में जा रहा है उस राशि का समुदाय अष्टक वर्ग अच्छे बिंदुओं में यदि वो जाता है तो अच्छे फल देता है। केवल गोचर से फलित बताना भयंकर बड़ी भूल है, ये मैंने पहले बता दिया वीडियो में। यदि आप यदि वो वीडियो देख लोगे पार्ट वन तो आपको ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे सारी चीज हम मैं दोहराऊंगा नहीं, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और जो शनि की जो ये राशि है कुंभ राशि, शनि अपनी राशि पे जा रहा है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो भाई कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि में जाएगा तो मुदित होगा, प्रसन्न होगा। तो इसमें ये गोचर से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि पर जा रहे हैं। शनि महाराज तो प्रसन्न और मुदित रहेंगे ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो मेष जिस सज्जन की जिस सज्जन की चंद्र कुंडली में, मतलब उसकी जिसकी राशि मेष राशि है, उसको कैसे फल होगा? तो ये जिसकी मेष राशि है, देखिए चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, चंद्रमा आपके चंद्र कुंडली से 11वें में पहुंच गए। तो सिद्धांत है तीसरा छठवा 11वें भाव में चंद्र का शनि का गोचर सुफल देगा, तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखते हैं कि 11वें भाव में शनि जा रहा है, क्या 11वें भाव में आपके कोई दूसरे प्लैनेट तो नहीं है? हो सकता है कि आपके 11वें भाव में कुंभ राशि में राहु हो, मंगल हो और इनके ऊपर से, या केतु हो, इनके ऊपर से जब शनि का चार होता है। देखिए शनि का गोचर यदि पाप ग्रहों के ऊपर से होता है, सबके लिए, सभी लग्न के लिए, सभी सभी राशि के लिए बता रहा हूं, यदि शनि का गोचर राहु के ऊपर से हो जाए, गुरु के ऊपर से हो जाए, मंगल के ऊपर से हो जाए तो ये अशुभ नहीं कहलाता है, ये दिक्कत देता है। तो हो सकता है कि आपकी कुंभ राशि में कोई प्लानिट ऑलरेडी बैठा हो, तीन चार प्लानिट हो, उसके ऊपर जो शनि का जो चार होगा, हो सकता है जन्मकालीन अष्टमेश के ऊपर से शनि का चार होगा तो तकलीफ देता है। बशर्ते है आपके अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग में भी कम बिंदु हो और आपकी दशा भी खराब चल रही हो, तब आपकी ये साढ़े सात, ये गोचर आपका, चूंकि मेष जिनकी मेष राशि है उनको तो साढ़े साती लगी नहीं भैया, ठीक है। आपकी साढ़े साती कब लगेगी? जब चंद्रमा आपका मीन में आएगा तब आपकी साढ़े साती लगेगी। तो मेष राशि वाले को क्या फल, एक अंदाजा है, इसमें कोई सटीक फल नहीं आते भैया, क्योंकि ना मैंने आपकी कुंडली देखी है, ना आपका भिन्नाष्टक देखा, सर्वाष्टक देखा, क्या दशा है वो नहीं जानता। तो मैं तो एक अंदाजा सिद्धांत का विश्लेषण कर रहा हूं, इसको एज इट इज होगा ऐसे मत मानना चाहिए, ठीक है, केवल अंदाजा सिद्धांत का विश्लेषण। चलते हैं, देखिए शनि 11वें भाव में जा रहा है, तो 11वां लाभ भाव, 11वां बड़ों का आशीर्वाद है, बड़े भाइयों का, बड़े भाई का भी घर है, ठीक है, बहुत सारे कार्यकर्ता तो उसमें होते हैं। तो उस भाव के 11वें भाव में यदि वो आपकी दशाएं खराब चल रही है, भिन्नाष्टक में कम है, सर्वाष्टक में कम बिंदु है, तो आपके लाभ में कमी करेगा, ठीक। कहाँ दृष्टि देता है? लग्न को देख रहा है, चंद्र कुंडली से लग्न को देता है, तो शारीरिक कष्ट दे सकता है, ठीक है, मान अपमान करवा सकता है। और कहाँ देख रहा है? आपके पुत्र भाव को देख रहा है, बुद्धि भाव को देख रहा है, तो पुत्र यदि पुत्र है विवाहित हो तो पुत्रों को कष्ट दे सकता है या आपके बुद्धि में भ्रम दे सकता है। ऐसे कोई बात आप कर जाओ, ऐसी कोई चीज कह जाओ आप जिससे कि आपको, आपके निर्णय से आपको तकलीफ हो, ठीक है। और तो और वो 8वें भाव को देखता है,
आठवें भाव में क्या है, आठवें भाव में बाधाओं को एक्टिवेट करता है, आपके जीवन की जो बाधाएं हैं उसको एक्टिवेट कर देता है वो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो रही शनि की बात कि जनरली मेष राशि वालों के लिए 11वां शनि कोई नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि रूल कहता है, नियम कहते हैं कि तीसरे छठवें ग्यारहवें भाव में शनि का गोचर चंद्र कुंडली से शुभप्रद होता है, बशर्ते कि उसकी दशाएं अच्छी हो और सर्वाष्टक वर्ग में, भिन्नाष्टक वर्ग में जिस स्थान पर जा रहा है, कुंभ राशि में जा रहा है, वहां यदि अच्छे बिंदु मिले हैं, वहां के भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक में अच्छे बिंदु, अच्छे फल देगा, अदरवाइज खराब फल देगा, ऐसे समझना। ठीक है, तो उतना खराब नहीं है, मैं तो पॉजिटिव मानता हूं इसको। अब वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए आपके चंद्रमा से ये दसवें भाव में जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या एक्टिवेट किया उसने, दसवें भाव को एक्टिवेट किया। दसवें भाव क्या है, काम धंधा आपका, यदि आपकी दशाएं ऑलरेडी खराब चल रही है, भिन्नाष्टक सर्वाष्टक में कम बिंदु मिले हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जनरली दसवां स्थान कोई बुरा नहीं माना जाता, तो आपके काम धंधे में आपकी दशा अनुरूप ये उतार चढ़ाव नेगेटिव पॉजिटिव दे सकता है, आपको काम में बाधा आ सकती है, या कोई गेन कर सकता है। अच्छा, दशाएं ऑलरेडी अच्छी चल रही, तो आपको गेन भी दे सकता है, आपको लाभ दे सकता है। ठीक है, यहां से क्या देखता है, यहां से ये बारहवें भाव को देखता है। देखो, ये भाव, बारहवें भाव कोर्ट कचहरी सब है, और बदनामी, बुराई, सैया, सुख और विदेश भाव भी है, तो आपका ये वाले भाव खर्चे के भाव को एक्टिवेट करेगा, तो हो सकता है कि आपके खर्चे वो एक्टिवेट हो जाएं। कैसे खर्चे एक्टिवेट हो जाएंगे, देखो हमें नहीं पता कि आपका शनि यहाँ किस किस के ऊपर से चार कर रहा, हो सकते हैं कई ग्रह बैठे हैं उनके ऊपर से चार करेगा तो बड़ी तकलीफ आती है, उनके ऊपर से रन करेगा, रन ओवर करेगा। ठीक है, कोई आदमी खड़ा है उसके ऊपर से दूसरा आदमी चले जाए तो होगा कि नहीं, गिरेगा कि नहीं आदमी, तो वही चीज है कि ग्रहों के ऊपर से जब ग्रह गोचर करता है, जन्मकालीन ग्रहों के ऊपर से ग्रहों का गोचर होता है, खासकर शनि और राहु का, तो बहुत कष्टप्रद होता है। तो यहां से शनि आपके बारहवें भाव खर्चे के भाव को एक्टिवेट करेगा, और कहां देखता, आपके सुख भाव को देखता है, आपके स्थान परिवर्तन की योग को एक्टिवेट करता है, आपके आपकी यात्रा को एक्टिवेट कर देता है, वो आपके सुख में कमी कर सकता है, आपकी माता को कष्ट कर सकता है। ठीक है, और आपके पत्नी भाव को एक्टिवेट करता है, और ये पत्नी भाव ही नहीं, दशम से दशम है, काम धंधे का भाव भी कहलाता है दशम से दशम होने के कारण, तो ये आपकी धर्म पत्नी को या व्यवसायिक पार्टनर से कोई फायदे नुकसान की बात हो सकती है। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं, फलित मैं बहुत कम बता रहा हूं, क्योंकि एक भाव के जो ग्रह होते हैं, कारक होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, तो कारकों के अनुरूप ही फल आते हैं। ठीक है, अब आपकी चंद्रमा की जो राशि है वो चंद्र कुंडली अनुसार मिथुन राशि है। अब आपका शनि यहां पे आ गया, तो चंद्र कुंडली से नौवां शनि, नौवें शनि के विषय में भी कोई शुभ नहीं बताया, 3-6-11 वर्ष शुभ मानता है, तो ये नौवें स्थान को एक्टिवेट किया, धर्म के स्थान को, लंबी यात्रा को, पिता के स्थान को एक्टिवेट किया, आपके कर्तव्य हैं, सभी समस्त प्रकार के कर्तव्य इसमें हैं, तो ये आपकी कोई धार्मिक यात्रा को एक्टिवेट कर सकता है, लंबी यात्रा के योग हो सकते हैं, पिता को कष्ट हो सकता है। ठीक है, यदि आप पूजा पाठ धर्म कांड के मामले में हो तो कोई बदनामी दे सकता है, कोई नुकसान दे सकता है। ठीक है, कहाँ देता है, ये आपके लाभ में कमी कर सकता है, बड़े भाइयों को कष्ट दे सकता है। ठीक है, उनसे कष्ट हो सकता है, उनके माध्यम से आपको कष्ट हो सकता है या उनको कष्ट हो सकता है। ठीक है, लाभ में कमी हो सकती है, यात्रा एक्टिवेट हो जाएगी आपकी। देखो, क्योंकि शनि नौवे भाव में है तो नौवा भाव तो है ही लंबी दूरी का, धार्मिक यात्रा का भाव है। ठीक है, और वो तीसरे भाव को भी एक्टिवेट कर रहा है, तीसरा भाव लेखन का है, कंप्यूटर का, इंटरनेट का है, कम्युनिकेशन स्किल का है, ट्रैवलिंग का है, तो इन सब क्षेत्र में कोई, या छोटे भाई का भी है, इन सब से रिलेटेड कोई मैटर आपके जीवन में घटित हो सकता है। ठीक, और कहां देखता है, और आपके छठे भाव को देखता है, रोग, ऋण, बीमारी, संघर्ष, एक्सीडेंट, सब चीजों को एक्टिवेट कर सकता है। पिता के लिए, पिता की बीमारी हो जाए उसमें आप दौड़ पड़ो, और इस तरीके से आपके खर्च बढ़ जाएं, पिता के लिए खर्च बढ़ जाएं, भाइयों के लिए खर्च बढ़ जाएं, कोई अकस्मात दुर्घटना हो जाए तो खर्च बढ़ जाए। अब आपकी क्या दशा चल रही हम नहीं जानते हैं, तो क्यों सामान्य सिद्धांतों का विश्लेषण हम यहाँ करते हैं। ठीक है, इसलिए तो कुंडली देखे बिना नहीं बताया जाता है।
तो गोचर बताने में बहुत डरता हूं मैं, क्योंकि यार कुछ भी बताया जाता आदमी होना जाना कुछ और, उसके जीवन में क्या घट रहा है बेचारा, कौन सा वीडियो देख ले और क्या समझ ले। अब कर्क राशि वालों के लिए शनि अष्टम भाव में गया, तो अष्टम शनि तो वैसे ही खतरनाक होता है, अच्छा नहीं माना जाता। हो सकता है कि आपकी कुंभ राशि में ऑलरेडी मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, ठीक है, उनके ऊपर से शनि का चार अष्टम भाव में होगा, काफी खतरे की बात है, कष्ट की बात है, सावधान रहने की जरूरत है। आपके काम धंधे में बाधा पहुंचा सकता है भैया, ठीक है, आपके कुटुंब में परेशानी कर सकता है, धन की हानि कर सकता है कुटुंब से, ठीक है, और तो और वो संतान भाव को देखता है, एक दृष्टि इसकी पंचम में यहां है संतान भाव को, तो संतान को कष्ट हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चंद्र कुंडली से अष्टम शनि जाए तो थोड़ी सावधानी की जरूरत है, अष्टम भाव वैसे ही बाधाओं का, हर्डल का भाव कहलाता है, तो इन सब से आपको सावधानी रखने की जरूरत है। और हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी राहु की दशा चल रही हो, अष्टमेश शनि की दशा चल रही हो, तब तो खतरे या आपको सावधानी की जरूरत ज्यादा है, ठीक है। अब आपकी सिंह सिंह राशि है, चंद्रमा की राशि सिंह है, आपके जन्म आपकी जन्म की कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में बैठा है। अब शनि कहाँ गया, शनि महाराज आ गए आपके पत्नी भाव में, और दशम से दशम हो गया, कार्य क्षेत्र का भाव है, तो ये वैवाहिक जीवन में उथल पुथल कर दे, या पत्नी की हेल्थ का इश्यू हो जाए, उससे आप परेशानी हो जाए, पिता तीसरे इसके बाद धर्म भाव में भी एक दृष्टि है, पिता को लेकर कोई परेशानी हो जाए, आपके लग्न को देखता है, शरीर को लेके कोई बीमारी एक्टिवेट हो जाए आपकी, और आपके माता जी को कोई कष्ट हो जाए, आपके सुख में कमी हो जाए, इस तरीके की बात हो सकती है। तो ये मैंने 5 नंबर वालों के लिए बताया, ठीक है, कहाँ पत्नी स्थान, ठीक है, इसके बाद आपकी लग्न, धर्म स्थान, पिता का स्थान और माता का स्थान, तो आपके फलित बहुत विस्तार हो सकते हैं, शनि की जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वो भाव एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, पिता माँ और स्वयं को कष्ट, पत्नी को कष्ट, तो 5 नंबर की जिनकी राशि चंद्र राशि है उनके लिए ज्यादा तकलीफ हो सकती है। और तो और शनि महाराज यहाँ हैं, और यहाँ ऑलरेडी कोई ग्रह बैठे हो, उस राहु केतु मंगल बैठा, और उनके ऊपर जैसे शनिचार करेगा तो ज्यादा कष्ट देता है, ठीक है, इसका याद रखना। हो सकता है कि भिन्नाष्टक में या सर्वाष्टक में यहाँ बहुत कम बिंदु, 18 बिंदु हो, या भिन्नाष्टक में कभी कभी 0 बिंदु होता है, तो पत्नी को पत्नी स्थान को काफी परेशानी हो सकती है, पत्नी से रिलेटेड मामला हो सकता है, व्यापारिक पार्टनर से रिलेटेड मामला हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं जिनकी कन्या राशि हो, कन्या राशि के लिए शनि छठे भाव में जाते हैं, तो सिद्धांत कहता है भैया कि यदि तीसरे छठवे ग्यारहवे भाव में शनि जाते हैं तो वो लाभप्रद होते हैं। अब इसका ना वो भी होता है, वेद भी होता है, इसलिए गोचर बताना, मैं गोचर की वीडियो बनाने से बहुत डरता हूँ, क्योंकि गोचर पूरी लफाबाजी है, छूट ही है मैं तो कहूँ, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजर है कि हमारे जो दर्शक है उनकी उम्मीद करती है भाई सब बना रहे हैं तो आप भी बना दो, अच्छे समझा दो हमको, डराते नहीं हो आप, ऐसे बोलते हैं लोग, हम भी बना देते हैं भाई, लेकिन एक झूठ के एक धंधा है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि गोचर की कम वीडियो बनाऊं, क्योंकि यार बिना कुंडली देखे फेंके जा रहे हैं कुछ भी। तो सिद्धांत कहता है कि 3, 6, 11 तीसरे छठे ग्यारहवें भाव में यदि जन्मकालीन चंद्रमा से शनि जाए तो लाभप्रद है, उसमें हानि नहीं है, तो छठे भाव में कोई मैं लाभ नहीं कहूंगा। हाँ, आपके अष्टम भाव में शनि देखते हैं, आपके 12वें भाव में शनि देखते हैं, और आपके पुनः भाई छोटे भाइयों के भाव में शनि देखते, कहाँ ये भाव एक्टिव हुआ 8वां, ये बहुत नेगेटिव भाव है, ठीक है, और 12वां भाव ये भी नेगेटिव भाव है, और ये भाव तीन दो एक उपचय, एक उपचय में है, उपचय को देखते हैं, इन भावों में बैठे शनि ये तब खराब हो सकते हैं जब आपकी दशा बहुत खराब चल रही हो, षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश की दशा चल रही हो, राहु की दशा चल रही हो, भिन्नाष्टक में कम नंबर अंक मिले हो, गया छठे स्थान पे 18 मिले हों, या सर्वाष्टक में 18 मिले हो, भिन्नाष्टक में 0 या 1 बिंदु मिले हों, ऐसे समय में ये शनि भी तकलीफ दे सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये शनि हमने बता दिया कि शुभ फल देगा तो शुभ ही फल देगा, क्योंकि वेद भी हो जाता है कई बार, ठीक है। फिर भी सिद्धांत कहता है कि छठा तीसरा छठा ग्यारह शनि लाभप्रद है, तो मैं बोलता हूं कि आपको उतना खतरा नहीं है, कोई समस्या नहीं है आपके लिए। अब तुला राशि वालों के लिए शनि पंचम भाव में आए, तो क्या किया, पंचम भाव संतान का भाव, बुद्धि के भाव को एक्टिवेट किया, शेयर मार्केट है ये, ठीक है,
यदि आपकी ऑलरेडी बहुत खराब दशाएं चल रही, तो शेयर मार्केट में बहुत घाटा हो सकता है, शेयर के धंधे में घाटा हो सकता है। बुद्धि से जुड़ा कोई व्यवसाय काम करते हो जहां आपका टैलेंट लगता है, उसमें घाटा हो सकता है, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। यदि आप विवाहित हो तो आपके पुत्रों को कष्ट हो सकता है, या पॉजिटिव बात बन रही है तो आपकी संतान प्राप्ति हो सकती है, आपको संतान के योग बनते हैं क्योंकि शनि महाराज पंचम भाव एक्टिवेट किए, संतान के भाव संतान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो अब दृष्टि कहाँ है, पत्नी भाव में, पत्नी से कष्ट, लाभ में कमी, और ये शनि आपको लाभप्रद हो सकता है। कैसे कि देखो शनि क्या एक्टिवेट कर रहा है, शनि पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहा है जो शुभ है, दूसरा ये लाभ भाव को एक्टिवेट कर रहा है, ये भी अच्छी बात है, लाभ की बात हो सकती है। इसके बाद शनि ये चीज को एक्टिवेट करता है धन भाव को, ठीक है, यहां से तो ये शनि आपको अचानक धन की प्राप्ति करा सकता है, लाभ दे सकता है, ठीक है, और तो है व्यापारिक पार्टनर से लाभ हो सकता है। ठीक है, बशर्ते कि आपकी शनि दशाएं बहुत खराब चल रही हो, तब आपको ये नुकसान कर सकता है, या भिन्नाष्टक वर्ग में या सर्वाष्टक वर्ग में शनि कुंभ राशि में बहुत कम बिंदुओं के साथ है तो नुकसान होगा, ठीक, अदरवाइज फायदे की बात हो सकती है। अब शनि वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि में शनि चौथे भाव में गया, चौथा शनि जब लगता है तो साढ़े साती तो नहीं हुई, लेकिन ये ढैया कहलाता है, ठीक है, और ये ढैया भी कष्टप्रद होता है ऐसा शास्त्र कहते हैं, तो आपको ट्रांसफर कराना, सरकारी लोगों को ट्रांसफर हो जाता है इसी स्थिति में। ठीक है, चौथा भाव एक्टिवेट हो गया, माँ को कष्ट हो जाए, सुख में कमी हो जाए, घर से दूर चले जाओ, तो इस प्रकार की परेशानी हो सकती है। आपके छठे भाव को रोग ऋण बीमारी को एक्टिवेट कर रहा है, आपके संघर्ष को एक्टिवेट कर रहा है, संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, बीमारी की बात है। आपके दसवें भाव को एक्टिवेट कर रहा है, काम धंधे में थोड़ी परेशानी की बात हो सकती है, और आपकी लग्न को एक्टिवेट कर रहा है, आपकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से फलित हो सकते हैं। अब आपकी धनु राशि है, धनु राशि वालों की तो साढ़े साती खत्म हो रही है। सबसे पहले आपको मैं बधाई देता हूं कि आपकी साढ़े साती खत्म हो गई, 7.5 साल से आपके जीवन में काफी संघर्ष रहा, और आपने जब शनि जाता है, साढ़े साती खत्म होती है, तो कहा जाता है कि साढ़े साती या तो आखिरी वाला ढैया काफी लाभप्रद होता है, या साढ़े साती खत्म होने के बाद जीवन में अचीवमेंट आती है, तो मैं ये कहता हूं कि कुछ ना कुछ आपको अचीवमेंट होगी। अब जो तीसरे शनि के बारे में, तो वैसे ही कहा कि तीसरा शनि का गोचर शुभप्रद होता है, ठीक है, और ये शनि निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद होगा क्योंकि पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहा है, भाग्य भाव को एक्टिवेट कर रहा है, और आपके बारहवें भाव को एक्टिवेट कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें शनि लाभप्रद है क्योंकि बुद्धि का भाव है, और ये शुभ भाव है क्योंकि ये लक्ष्मी भाव कहलाता है और ये केंद्र भाव, तो इतने सारे अच्छे भाव को एक्टिवेट कर रहा है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव क्योंकि साढ़े साती तो ऑलरेडी आपकी खत्म हो चुकी है। तो ये धनु का जो शनि है कहाँ एक्टिवेट कर रहा है, आपकी ट्रैवलिंग को एक्टिवेट कर रहा है, आपके कम्युनिकेशन को, इंटरनेट को, आपको लेखन कला को, खेलकूद के भाव को, छोटे भाई के भाव को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड कोई मामले हो सकते हैं, और तो और आपके संतान के लिए कोई शुभ संकेत हो सकते हैं, या संतान हो, शादी हो गई तो संतान की प्राप्ति करा सकता है ये, और आपके पिताजी से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, या आपकी कोई जिम्मेदारियां जो धार्मिक प्रवृत्ति की हैं उसमें कोई बात हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हो, कोई आप तीसरा भाव छोटी यात्रा भी है तो छोटी यात्रा हो सकती है आपकी, है ना, और जो है आपको थोड़ा व्यय हो सकता है। व्यय कैसे हो सकता है, व्यय या तो संतान पर हो सकता है, पिता पे हो सकता है, या छोटे भाइयों पे आपको व्यय करना पड़ सकता है, उनके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। क्यों, ये संतान भाव पे दृष्टि है, पिता के भाव पे दृष्टि है, छोटे भाव पे रन कर रहे हैं वो, और दृष्टि इनकी हॉस्पिटल स्थान पे है, तो इन सब पे व्यय हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा जरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट टू खत्म हुआ है। मेरा सभी से निवेदन है कि साढ़े साती का नाम का जो हुआ है इससे बचना चाहिए, साढ़े साती हमेशा खराब फल नहीं देती। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, ये सब साढ़े साती में जो है प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो साढ़े साती हमेशा खराब फल नहीं देती, साढ़े साती सिर्फ ये चंद्रमा का गोचर है, और गोचर अकेले फल नहीं देता है, फिर से बता दूं, केवल चंद्रमा का गोचर फल नहीं देता है, जब आपकी दशा विंशोत्तरी दशा, प्रत्यंतर दशा, ठीक है, शनि जहां से गोचर कर रहा है वहां के सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु, भिन्नाष्टक वर्ग में बिंदु, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, तब नेगेटिव परिणाम मिलेगा, अदरवाइज केवल शनि का गोचर आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं लाता,
और बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा वीडियो आपके हाथों में लग गया हो जो काफी आपको बता रहा हो कि ये राशि आपकी बहुत लाभदायक होगी, फलदायक होगी, ऐसा नहीं है। जब तक कि आपकी कुंडली में अच्छे धन योग ना हो तो धनपति नहीं बन सकते आप। और वो सारे एक्टिवेट होते हो, वो उनको एक्टिवेट कौन करता है? उनको गोचर और दशाएं एक्टिवेट करती है। यदि आपकी अच्छी दशाएं चल रही है, यदि आपकी 6, 8, 12 छठे स्थान, 8वें स्थान, 12वें स्थान की दशाएं चल रही है, कभी कभी क्या होती है किसी की षष्ठेश की दशा चलती है, प्रत्यंतराष्टमेश का चलता है या द्वादशेश का, बड़ा खर्चा हो जाता है, बड़ी बाधाएं आती है, और ऐसे में 7.5 हो जाती है तो बड़ी तकलीफ पड़ जाती है। हो सकता है आपके घर में आपकी 7.5 चालू है, बेटे की चालू है, पत्नी की चालू है, पिताजी की चालू है, माँ की चालू है, घर में एक या दो लोगों की 7.5 चालू है, तो ऐसे जातकों को ज्यादा कष्ट आता है। हो सकता है घर में किसी एक की राहु की दशा चल रही है, दूसरे की चल रही है, तीसरे की चल रहा है, इनके परिवार में एवरेज लोगों की तुलना में ज्यादा कष्ट आते हैं। यदि आप भगवान राम के भजन गाते हो, भगवान राम के मंत्र करते हो, या राम राम बोलते हो, या कृष्ण कृष्ण बोलते हो, या सरल मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र से जपो या बिना मंत्र के जपो, रामचरित मानस है, हनुमान चालीसा है, सुंदर कांड है, दुर्गा सप्तशती है, गीता पाठ है, श्रीमद् भागवत रामचरित मानस का पाठ है, और विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, लक्ष्मी सहस्त्र नाम है, हजारों तो सहस्त्र प्रकार के सहस्त्र नाम है, कमी नहीं है। आपको जो करना करो यार, यदि ईश्वर भक्ति करोगे तो ग्रह शांति होगी बिना पैसे के, ये मेरा मूल मंत्र है। नारद भक्ति सूत्र कहता है जितने भी ऋण हो आपके, जितने भी ऋण हो यदि ईश्वर भक्ति करोगे, अब आपका इष्ट कौन सा हो सकता है वो आपकी इच्छा, आपका जो गुरु मंत्र है उसको फाइनल मानो, आपका इष्ट आपका है उस पे कुछ है। जो भी अपने इष्ट इष्ट के मंत्र पढ़ेगा, इष्ट को जपेगा, गुरु मंत्र पढ़ेगा, और जो शास्त्रोक्त सनातन पद्धति से रामचरित मानस, राम रक्षा स्त्रोत, नारायण कवच, ललिता सहस्त्र नाम, जो कनक धारा स्त्रोत, अन्नपूर्णा स्त्रोत, ऐसे सैकड़ों स्त्रोत है। कोई माँ नर्मदा का भक्त है तो नर्मदा अष्टकम पढ़ता है, ये नर्मदा परिक्रमा करना चाहता है करता है। यदि मैं तो बोलता हूं कि यदि कोई व्यक्ति 150 किलोमीटर भी नर्मदा परिक्रमा कर लेता है पद यात्रा में, उसके भी जो है ग्रह योग कटते हैं, उसके ग्रह जो नाराज है वो शांत होते हैं। बहुत लंबी परिक्रमा नर्मदा जी की 2600 किलोमीटर, अरे आप 25 किलोमीटर भी दिल से चल लो, ठीक है। ये उनको बोल रहा हूँ जो तट के आसपास रहते हैं। भैया ऐसे थोड़ी यार कि मद्रास का आदमी को मैं नर्मदा परिक्रमा बोलता हूँ, बड़ा चिढ़ेगा, अरे महाराज थोड़ा व्यवहारिक से बताओ। तो व्यवहारिक बात कर रहा हूँ भैया, हर क्षेत्र में कोई अच्छी नदी है, ठीक है, जिनको माँ बोलते हैं, ठीक है, जैसे माँ गंगा है, सिर्फ भारत में एक ही नदी है जो उसको माँ है बोल के प्रदक्षिणा करते हैं, वो माँ नर्मदा है, ठीक है। तो ये नर्मदा के आसपास रहने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इतने में भी ग्रह शांत होते हैं। तो ये मेरा वीडियो 7.5 पे था, 7.5 का भय है, किरण राव साहब की किताब में खूब लिखा, 7.5 के बारे में लिखा है, ये किताब है, मैं यहाँ लगाता हूँ आपको, थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ ये किताब, ठीक है। ये किताब कंटक शनि, अष्टम शनि, शनि की 7.5, अभिशाप या वरदान, एक पूर्ण संतुलन, गोचर फल दर्पण, बड़ी अच्छी किताब है। शनि केवल शनि का गोचर ही फल नहीं देता, ठीक है आपको। तो ये जो किताब से जब हमने देखा कि काफी भ्रांति थी, जैसे कि कर्नाटक क्षेत्र में पंचम शनि का बड़ा डर है, और पंचम शनि में उदाहरण से किताबों में बताया कि कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना, तो हर एक ये गोचर से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, गोचर आते जाते हैं। और आप जो टीवी में देखते हो ना कि ये राशि के बारे में बता रहा है कि भाई एक राशि वाले कम से कम 14 करोड़ 12 करोड़ के होंगे, तो एक सा फल तो होगा नहीं, समझा करो। 12 राशि, मैंने एक और चीज बताई थी आपको, ये चीज आपको बड़ी मजबूती से समझनी चाहिए आपको कि क्यों इस प्रकार से ये है सिद्धांत। हाँ, एक जातक की कुंडली में एक समय 46,656 योग बनते हैं, ठीक है। 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 16 षोडश कुंडलियां, 46,656 योग होते हैं। इसीलिए एक राशि का जो टीवी में फल बताते हैं, यूट्यूब में फल बताते हो, कभी भी नहीं हो सकता 100% सही, ये याद रखना। वो केवल
सस्ता प्रचार है, धन कमाने के तरीके हैं, अपने धन की लालसा में चैनल चलाना है, टीवी वालों को तो अपनी टीआरपी बढ़ाना है। आप लोग उनसे बचें। ये जो ऐसे कैलेंडर में पंचांग में मेष राशि का फलित, ये कभी सही हो ही नहीं सकता। एक राशि के लोग भारत में कम से कम 14 करोड़ हैं, और पूरी दुनिया में देखेंगे तो 25 करोड़ निकल जाएगा एक आदमी, एक राशि का आदमी, बल्कि ज्यादा 50 करोड़ निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या 46-15 करोड़ लोग की मेष राशि होगी तो क्या सबको एक से फल आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये बिल्कुल बहुत ही बकवास बात है। राशियों का फलित से इससे घटिया बात ज्योतिष में हो ही नहीं सकती। और ज्योतिष को ऐसे ही लोगों ने, ज्योतिष शास्त्र को, बहुत पवित्र शास्त्र को बदनाम कर दिया। ये ज्योतिष राजाओं के लिए थी, राज रजवाड़ों की ज्योतिष है भाई। अब बाद में अब आम जनता को भी इसका लाभ मिल गया, पहले राजाओं के लिए बनाई गई थी। और सारावली में बात आई है कि ये राजाओं की ज्योतिष है, राजाओं के भले के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इतना बोल के मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ। आगे मेरी भावनाओं को आप समझ गए होंगे कि आप डरे ना, जो डर गया सो मर गया। डराने वाले आपको 1000 बैठे हैं चैनलों पे, आप डरे ना। और मैं बताता हूं, गीता प्रेस ने नाम महिमा पे हजारों लिटरेचर छाप के बांट दिया है। नाम महिमा केवल भगवान के नाम लेने से ग्रह शांत होती है। कहां पैसे लगते हैं यार, भगवान को कहां पैसे चाहिए? भगवान का एजेंट को चाहिए पैसे, उसको घर चलाना, अपना बीबी बाल बच्चे, तो एजेंट से सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।